अजय अस्पताल के कॉरिडोर में परेशान हालत में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था और अपनी पत्नी पूजा की जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा था। पूजा पिछले कुछ सालों से बहुत बीमार थी और वो कैंसर की मरीज थी। पूजा किसी तरह से अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई तो अजय उसे तुरंत ही अस्पताल ले गया। डॉक्टर पूजा की जांच कर रहे थे तब अजय बाहर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मेरी पूजा को कुछ ना हो और वो जल्दी से ठीक हो जाए। अजय के लिए उसकी पत्नी पूजा और बेटी नंदिनी ही सब कुछ थी और अजय इन दोनों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पूजा के लिए अजय सही गलत का फर्क तक भूल गया था और उसने पूजा के इलाज के लिए हर गलत रास्ता अपनाया था जिसकी अजय ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी भी अजय बस यही प्रार्थना कर रहा था कि पूजा जल्दी से ठीक हो जाए और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़कर अपनी जिंदगी की जंग जीत जाए। अजय की आंखों के कोने गीले हो चुके थे और वो परेशान हालत में भगवान से बार बार पूजा के लिए प्रार्थना कर रहा था कि तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। अजय ने अपनी जेब से फोन निकाला तो देखा कि वो कॉल उसके दोस्त रॉकी का था। अजय जानता था कि आज रॉकी काम के लिए अकेला गया हुआ था और हो सकता है कि वहाँ उसे कुछ परेशानी आ गई हो, इसलिए अजय ने जल्दी से फोन उठाया और अपने कान पर लगा लिया। अभी तो अजय रॉकी से कुछ कहता, इससे पहले ही रॉकी कहने लगा, यार अजय आज तू आया क्यों नहीं, तुझे तो पता है ना कि अकेले लड़की को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। अजय ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, रॉकी इस वक्त मैं अस्पताल में हूँ और मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं है। अजय की बात सुनकर रॉकी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो आज मैं किसी नाजुक सी चिड़िया को ही हाथ कर लेता हूँ, तुम बस भाभी का ख्याल रखना, तुम्हें भी तो पैसों की जरूरत होगी ना, अगर कोई नाजुक सी कमसिन कली हाथ आती है ना तो शाम तक मैं तुम्हें भी पैसे भेज दूंगा। अजय ने रॉकी से कहा, देख यार रॉकी, कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की हाथ कर ताकि हमें अच्छे खासे पैसे मिल सकें। देख मेरे भाई, मुझे अपनी पत्नी के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है और तुझे तो पता है ना कि इस वक्त तेरी भाभी किस हालत में है। तब रॉकी ने कहा, तू फिक्र ना कर मेरे यारा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जैसे ही कोई चिड़िया जाल में फंसेगी तो उसका रोकड़ा करके शाम तक तुझे पैसे भी भिजवा दूंगा। रॉकी की बात सुनकर अजय सुकून से हो गया क्योंकि उसे रॉकी पर पूरा भरोसा था कि वो किसी ना किसी तरह से पैसों का इंतजाम कर ही लेगा। अजय और रॉकी कई साल पहले दोस्त बने थे और तब से ही वो दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन उनकी दोस्ती घर के बाहर तक ही सीमित थी। उन दोनों ने कभी एक दूसरे के घर में कदम नहीं रखा था और न ही कभी एक दूसरे के परिवार से मिले थे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था कि वो अपने काम की बातें अपने घर पर नहीं कर सकते थे। इसलिए वो दोनों या तो किसी होटल में मिल लेते थे या फिर फोन पर ही बात कर लेते थे। अभी रॉकी से बात करने के बाद अजय के दिल को थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो कम से कम पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा। अजय ने बेंच पर बैठकर अपना सिर दीवार से टिका दिया और अपनी आंखें बंद करके अपने अतीत की यादों में खो गया। तकरीबन 22 साल पहले अजय और पूजा की शादी हुई थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ना तो अजय के घर वालों ने पूजा को स्वीकार किया और न ही पूजा के घर वालों ने अजय को, इसलिए दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली और फिर एक नए शहर में जाकर अपनी नई दुनिया बसा ली। अजय ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई थी और जो नौकरी उसे मिली थी उसमें उसके घर का गुजारा करना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो लोग गुजारा कर रहे थे। पूजा अजय से बहुत प्यार करती थी और उसने अजय से कभी भी किसी भी बात की शिकायत नहीं की, बल्कि वो तो रूखी सूखी रोटी खाकर भी अजय के साथ खुशी खुशी रहती थी। और फिर शादी के 2 साल बाद ही भगवान ने नंदिनी को उन दोनों की झोली में डाल दिया।
लेकिन अब समस्या ये थी कि पहले ही घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था और अब जब नंदिनी का जन्म हुआ तो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। नंदिनी की बढ़ती जरूरतों और खर्चों ने अजय को दूसरी नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया था। अजय ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की लेकिन उसे कहीं भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। अजय अब बहुत परेशान रहने लगा था और एक दिन वो चाय की टपरी पर बैठा चाय पी रहा था, तब अचानक ही उसकी आंखों से आंसू सरक पड़े। उस दिन अजय की मुलाकात रॉकी से हुई और जब रॉकी ने अजय की परेशानियों के बारे में सुना तो उसने अजय को अपने साथ काम करने का सुझाव दिया जो वो खुद काफी समय से कर रहा था। अजय को जब उस काम के बारे में पता चला तो पहले तो उसने मना कर दिया क्योंकि अजय एक बहुत ही शरीफ और इज्जतदार परिवार से था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद अजय को ऐसा लगा कि उसे पूजा और नंदिनी के लिए कुछ तो करना चाहिए, इसलिए अजय ने रॉकी के साथ हाथ मिला लिया। और फिर जब अजय ने रॉकी के साथ काम करना शुरू किया तब उसे पता चला कि काम तो बहुत ही आसान था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। अजय और रॉकी दोनों एक ही उम्र के थे और हफ्ते में एक बार दोनों किसी सोने की चिड़िया को अपनी जाल में फंसा लेते थे और फिर तो उनका सिर्फ हफ्ता ही नहीं बल्कि पूरा महीना बहुत आसानी से बीत जाता था। कभी कभी पूजा अजय से पूछती थी, अजय तुम अचानक इतने सारे रुपए कहाँ से लाते हो कि हमारे घर के हालात इतने बदल गए हैं? अजय ने पूजा से कहा, कुछ नहीं पूजा, अब मैं पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा हूँ ना, और ये सारे रुपए उसी जॉब से मिलते हैं। पूजा एक बहुत ही इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती थी और अगर उसे अजय के काम के बारे में पता चल जाता तो शायद वो अजय को छोड़कर चली जाती। और फिर अजय जो काम कर रहा था वो काम तो बताने जैसा भी नहीं था, इसलिए अजय रॉकी के साथ मिलकर दुनिया की नजरों से छुपकर ऐसे गलत काम करने लगा था। जबकि पूजा अक्सर अजय से कहती थी, देखो अजय हम सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन तुम कभी भी गलत रास्ते पर मत चलना। इतना पैसा देखकर शायद पूजा को अजय पर शक होने लगा था और इसीलिए वो अजय को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। अजय ने भी पूजा से वादा किया कि वो उसे और उसकी बेटी को कभी कोई भी परेशानी नहीं होने देगा। इस तरह से अजय और पूजा ने अपनी जिंदगी के 22 साल एक साथ बिताए और अब तो उनकी बेटी नंदिनी 20 साल की हो गई थी। नंदिनी के कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत दिखती थी। जैसे ही नंदिनी बड़ी हुई तो अजय को उसकी शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन 4 साल पहले ही अजय को पता चला कि पूजा को कैंसर है और तब से ही उसकी सारी कमाई पूजा के इलाज में ही खर्च होती जा रही थी। इसलिए अजय ने फिलहाल नंदिनी की शादी का ख्याल दिल से निकाल दिया और वैसे भी नंदिनी उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए पूजा की देखभाल के लिए इस समय घर में नंदिनी की जरूरत भी थी। 3 साल तक पूजा की कीमोथेरेपी चलती रही और इन 3 सालों में पूजा हड्डियों का ढांचा बन गई थी। अब तो पूजा पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी और कभी कभी तो वो खुद से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, बस व्हील चेयर पर बैठी रहती थी। 2 साल बाद पूजा लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि पूजा का कैंसर वापस आ गया है। अब तो अजय पूरा पूरा दिन पूजा के इलाज में ही लगा रहता था और नंदिनी भी पूजा को संभालने में अजय का पूरा पूरा साथ देती थी। हालांकि नंदिनी की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो कॉलेज जाती थी और फिर वापस आकर अपनी माँ की देखभाल करती थी और पूरे घर को भी संभालती थी। पूजा ने नंदिनी की बहुत अच्छे से परवरिश की थी और वो अपने माँ बाप की बहुत ही अच्छी और आज्ञाकारी बेटी थी। अजय को अपनी बेटी को देखकर बहुत गर्व महसूस होता था जो ना सिर्फ पढ़ाई में आगे थी बल्कि घर के कामों में भी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन अजय नहीं जानता था कि एक दिन उसके गुनाहों का परिणाम उसे और उसके परिवार को ही भुगतना पड़ेगा और उसकी खुशहाल जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
अजय काफी देर तक कॉरिडोर में बैठा रहा और उसके बाद डॉक्टर्स ने उसे पूजा को घर ले जाने की इजाजत दे दी। रात के करीब 7:30 बज रहे थे और अजय को अपनी बेटी नंदिनी की चिंता भी सता रही थी, लेकिन नंदिनी के पास मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए अजय उससे बात नहीं कर पा रहा था। अजय ने सोचा कि इस बार नंदिनी के जन्मदिन पर वो नंदिनी को मोबाइल फोन गिफ्ट कर देगा। हालांकि अजय तो बहुत पहले से ही नंदिनी को मोबाइल फोन गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन पूजा हमेशा उसे ये कहकर मना कर देती थी कि अभी नंदिनी को मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है। पूजा ने अजय से कहा, अजय वैसे भी आजकल का माहौल कुछ ठीक नहीं है और बच्चों के हाथ में फोन आते ही वो पढ़ाई में कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, और ऐसे में जवान बेटी के हाथों में फोन देने की क्या जरूरत है। पूजा को जमाने के बिगड़ते हालातों से डर लगता था, और फिर कहीं ना कहीं पूजा के दिल में ये डर भी लगा रहता था कि जिस तरह से उसने अजय के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया था, उसी तरह कहीं नंदिनी भी उन्हें छोड़कर ना चली जाए। अजय और पूजा ने जो कुछ भी अपने माँ बाप के साथ किया था, अब उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी भी उनके साथ वही ना कर दे। माँ बाप का दुख और तकलीफ क्या होती है, इसका एहसास अजय और पूजा को खुद माँ बाप बनने के बाद ही हुआ था, इसीलिए पूजा ने अजय को नंदिनी के लिए फोन लेने नहीं दिया था। लेकिन अब अजय को लग रहा था कि नंदिनी को फोन की बहुत जरूरत है, और अगर आज नंदिनी के पास फोन होता तो अजय को उसकी इतनी चिंता नहीं होती। अजय कम से कम नंदिनी से फोन पर बात तो कर सकता था और उसे ये बता भी सकता था कि उन्हें अस्पताल में समय लग जाएगा। इसलिए घर जाते समय अजय ने रास्ते में पूजा से कहा कि वो नंदिनी के इस जन्मदिन पर उसे एक अच्छा सा मोबाइल गिफ्ट करेगा। अजय की बात सुनकर बीमारी की हालत में भी पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो कहने लगी, ठीक है बाबा, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है और वो समझदार भी है, तो अब तुम उसे फोन दिलवा सकते हो और साथ ही उसके लिए एक अच्छा लड़का भी तलाश कर लेना, ताकि मैं अपने जीते जी अपने हाथों से उसे विदा कर सकूं। पूजा की बात सुनकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए और वो पूजा से कहने लगा, खबरदार अगर तुमने फिर कभी अपने मरने की बात भी की तो तुम ना सिर्फ नंदिनी की शादी देखोगी बल्कि उसके बच्चे भी देखोगी, और अभी तो हमें एक साथ कई साल बिताने हैं। अजय पूजा को खोने से बहुत डरता था, क्योंकि अजय की जिंदगी में पूजा और नंदिनी के अलावा कुछ भी तो नहीं था और वो सब कुछ उन दोनों के लिए ही तो कर रहा था। इसीलिए जब अजय को ये याद आता कि पूजा बस कुछ ही समय की मेहमान है, तो उसका दिल कांप उठता था। अब भी जब अजय ने पूजा को सख्ती से डांटा तो पूजा मुस्कुरा दी, और फिर आधे घंटे बाद जब पूजा और अजय दोनों घर पहुंचे, तो ये देखकर अजय की तो जान निकल गई कि दरवाजे पर अभी भी ताला लगा हुआ था। अजय जब पूजा को अस्पताल लेकर जा रहा था, तब उसने खुद अपने हाथों से ही ताला लगाया था, और नंदिनी ठीक एक घंटे बाद कॉलेज से वापस आने वाली थी और घर की एक चाबी नंदिनी के पास भी होती थी, लेकिन घर के दरवाजे पर तो अभी भी ताला लगा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि नंदिनी अभी तक घर नहीं पहुंची थी। अब अजय को नंदिनी की चिंता होने लगी थी कि अगर नंदिनी घर नहीं पहुंची तो फिर वो गई तो गई कहाँ। अजय ने अपने अड़ोस पड़ोस में सबसे पूछ लिया, लेकिन सबने यही कहा कि आज तो नंदिनी कॉलेज से वापस लौटी ही नहीं है, और हमें तो लगा कि शायद वो आपके साथ अस्पताल में होगी। अजय के पड़ोसियों को पूजा की बीमारी के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि शायद नंदिनी अजय और पूजा के साथ अस्पताल में ही है। नंदिनी अभी तक घर नहीं पहुंची है, ये देखकर पूजा की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी थी। पूजा ने अजय के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगी, अजय हमारी बेटी कहाँ है, वो तो कॉलेज से सीधा घर ही आती है। नंदिनी की तो किसी से ज्यादा दोस्ती भी नहीं है और ना ही इस शहर में हमारी किसी से ज्यादा जान पहचान है। अजय ने पूजा को एक तरफ बिठाया और कहा, देखो पूजा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है,
और अगर तुम इस तरह से टेंशन में रहोगी तो तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। मैं पता करता हूँ कि नंदिनी कहाँ है, हो सकता है कि वो अपने कॉलेज की किसी सहेली के साथ उसके घर चली गई हो। अजय ने पूजा से नंदिनी की दो खास सहेलियों का एड्रेस लिया और उसे तलाश करने के लिए निकलने लगा कि तभी पूजा जिद करने लगी और कहने लगी, अजय मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अजय ने पूजा से कहा, पूजा तुम घर पर आराम करो, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। लेकिन फिर जब अजय ने पूजा की आंखों में आंसू देखे तो वो पूजा को भी अपने साथ ले गया। फिर अजय और पूजा एक एक करके नंदिनी की दोनों सहेलियों के घर गए, लेकिन दोनों लड़कियों ने एक ही जवाब दिया और कहने लगी, अंकल नंदिनी तो हमारे साथ ही कॉलेज से घर के लिए निकली थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद हमारे रास्ते अलग हो गए और वो अपने घर की तरफ चली गई और हम अपने घर की तरफ। नंदिनी ने तो यही कहा था कि वो घर जा रही है और उसने कहीं और जाने की बात नहीं की थी। ये सुनते ही अजय के दिमाग की नसें फटने लगी थी, लेकिन उसे पूजा को भी तो संभालना था, इसलिए वो चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गया। पूजा ने भी अजय के चेहरे पर चिंता की लकीरें पढ़ ली थी और वो अजय से कहने लगी, क्या हुआ अजय, नंदिनी की सहेलियों ने क्या कहा? पूजा की हालत ऐसी नहीं थी कि अजय उसे कोई भी बुरी खबर सुना सके, लेकिन इस वक्त वो मजबूर था, इसलिए अजय ने पूजा को बताया कि नंदिनी की दोनों सहेलियों को नहीं पता कि नंदिनी कहाँ है। ये सुनकर तो पूजा बहुत ही ज्यादा घबरा गई और वो अजय के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। अजय ने पूजा को समझाया, देखो पूजा ये समय रोने का नहीं है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो नंदिनी को तलाश करने के बजाय मुझे तुम्हारे साथ अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे। अजय की बात सुनकर पूजा चुप हो गई और फिर अजय नंदिनी को तलाश करने के लिए यहाँ वहाँ सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने लगा, लेकिन अजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और नंदिनी को कहाँ तलाश करे, क्योंकि इस शहर में तो उनका अपना कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद अजय के फोन पर रॉकी का कॉल आने लगा, लेकिन अजय ने कॉल काट दिया क्योंकि यह समय काम की बात करने का नहीं था, इस वक्त तो अजय को अपनी बेटी को तलाश करना था। अजय कॉलेज से घर तक 2-3 चक्कर लगा चुका था, लेकिन नंदिनी का कुछ भी पता नहीं चल पाया कि तभी रॉकी का फिर से फोन आने लगा। इस बार अजय ने फोन उठा लिया और कहने लगा, रॉकी यार मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरी बेटी ना जाने कहाँ चली गई है और उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। रॉकी ने अजय से कहा, तू चिंता मत कर यार, मुझे बता कि इस वक्त तू कहाँ है, मैं भी आ जाता हूँ और फिर हम दोनों मिलकर तेरी बेटी को तलाश करते हैं। और फिर रॉकी अजय से कहने लगा, सुन अजय तेरे लिए एक खुशखबरी भी है और वो ये है कि आज एक बहुत ही खूबसूरत और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगी है और उसका सौदा भी बहुत ही अच्छा हुआ है। मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे भी दे दूंगा, पूरे 1,00,000 रुपए तेरे हिस्से में आएंगे। 1,00,000 रुपए की रकम सुनकर अजय तो दंग रह गया, क्योंकि आज तक उसे इतने सारे पैसे कभी भी नहीं मिले थे, ज्यादा से ज्यादा उसे 25,000 से 30,000 रुपए ही मिलते थे। अजय ने रॉकी को अपनी लोकेशन बताई और उसे अपने घर के पास ही बुला लिया। पूजा भी उस वक्त गाड़ी में मौजूद थी। आम हालात में तो अजय पूजा को कभी भी रॉकी से नहीं मिलवाता, लेकिन उस समय वो मजबूर था। रॉकी के आते ही पूजा ने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया और नमस्ते करके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। पूजा इतने शरीफ और इज्जतदार खानदान से थी कि आज भी उसके परिवार की औरतें बिना दुपट्टा डाले पराए मर्दों के सामने नहीं जाती थी, और पूजा ने भी आज तक अजय के किसी भी दोस्त के सामने आने की कोशिश नहीं की थी। रॉकी ने अजय से पूछा, क्या हुआ यार, कुछ खबर मिली कि नहीं कि बेटी कहाँ है और कहाँ से गायब हुई है? आज तक अजय और रॉकी दोनों ने ही कभी भी एक दूसरे से अपने बच्चों के बारे में खुलकर बात नहीं की थी।
ना तो अजय को पता था कि रॉकी के कितने बच्चे हैं और वो क्या करते हैं, और न ही रॉकी को अजय के परिवार के बारे में कुछ भी पता था। अजय ने रॉकी से कहा, रॉकी, मेरी बेटी का नाम नंदिनी है और उसकी उम्र 20 साल है। मेरी बेटी रामकृष्णा कॉलेज में पढ़ती है और वो रोज खुद ही कॉलेज से घर आ जाती है। आज मुझे अस्पताल में ज्यादा समय लग गया और जब मैं रात को घर पहुंचा, तो घर पर ताला लगा हुआ था। मैं घर पहुंचा तब मुझे पता चला कि मेरी बेटी तो कॉलेज से घर वापस ही नहीं आई है। रॉकी यार, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई है। मैं कितने समय से उसे तलाश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अजय बहुत ज्यादा परेशान था और उसे परेशान देखकर रॉकी तो और भी ज्यादा परेशान हो गया। कुछ देर तक रॉकी चुप रहा, लेकिन फिर उसने अजय के हाथों में उसके हिस्से के पैसे थमाए और अजय से नजरें चुराते हुए कहने लगा, अजय यार, मैं जिस सोने की मुर्गी की बात कर रहा था, वो भी शायद उसी कॉलेज में पढ़ती है जिसके बारे में तुमने मुझे अभी अभी बताया। और फिर रॉकी ने अपना मोबाइल निकाला और अजय को उस लड़की की तस्वीर दिखाई जिसे वो कोठे पर बेच आया था और बदले में 2 लाख रुपए भी ले आया था। लेकिन जैसे ही अजय ने उस लड़की की तस्वीर देखी तो उसके पैरों तले से तो जमीन खिसक गई थी। अजय ने रॉकी का गिरेबान पकड़ लिया और कहा, कमीने, ये तो मेरी बेटी नंदिनी है, बोल तूने क्या किया इसके साथ और कहाँ बेच आया है मेरी बेटी को। अजय की बातें सुनकर रॉकी बहुत ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, अजय यार, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये तेरी बेटी है। मैंने तो इसे कॉलेज से अकेले घर जाते हुए देखा तो सोचा कि लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है, अगर मैं इसे ले जाकर कोठे पर बेच दूं तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जब मैं उसे लेकर कोठे पर पहुंचा तब अमीना बाई तो उसे देखकर पागल ही हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमीना बाई ने तो मुझे इस लड़की की मुंह मांगी कीमत के तौर पर 2 लाख रुपए भी दिए और कहने लगी, वाह सेठ, क्या खूब माल लाया है। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, ये तो कोहिनूर है, कोहिनूर। और ऐसा नायाब हीरा तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अजय ने रॉकी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, हरामखोर, तूने मेरी बेटी को बेच दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ भी लगाने की, कमीने, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए। तब रॉकी ने कहा, अजय, अगर मैं कमीना हूँ तो कमीना तू भी है। आज तक हम दोनों दूसरों की बेटियों को बेचते आए हैं और तब तो तुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं होती थी और न ही ये काम करते हुए तुझे कभी कोई शर्म महसूस होती थी, और आज जब अपनी बेटी पर बात आई तो तू मुझ पर हाथ उठा रहा है और मुझे गालियां भी दे रहा है। लेकिन तू ये मत भूल अजय कि आज भी तूने बराबर का हिस्सा लिया है और वो 1 लाख रुपए अभी भी तेरे हाथ में पड़े हैं। एक तरफ रॉकी गुस्से में पागल हो रहा था तो दूसरी तरफ कार में बैठी पूजा ये सब देखकर कार से नीचे उतर आई। पूजा का दुपट्टा उसके चेहरे से हट चुका था और वो परेशान होकर अजय से पूछने लगी, क्या हुआ अजय, आप दोनों इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हैं। और फिर जैसे ही रॉकी की नजर पूजा के चेहरे पर पड़ी तो वो हैरान होकर पूजा की तरफ देखने लगा, क्योंकि पूजा और नंदिनी बिल्कुल एक जैसी ही दिखती थी। और तब रॉकी को ये एहसास हुआ कि उसने सच में अजय की बेटी को ही बेच दिया है। अब तो रॉकी खुद भी परेशान हो गया और वो अजय को तसल्ली देते हुए कहने लगा, अजय मेरे भाई, परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन पहले तू पूजा भाभी को घर छोड़ा, फिर हम दोनों साथ में अमीना बाई के पास चलते हैं। अजय और रॉकी की फुसफुसाहट सुनकर पूजा को लगा कि जरूर कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसलिए पूजा ने गुस्से में अजय से पूछा, अजय बात क्या है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ, क्योंकि मुझे तुम दोनों के चेहरे से इतना तो पता चल गया है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और फिर पूजा को वो राज पता चल गया जो अजय ने उससे कई सालों से छुपा कर रखा था। अजय ने पूजा को सारी सच्चाई बता दी
और सच्चाई सुनकर तो पूजा हैरान रह गई और वो अजय को नफरत से देखते हुए कहने लगी, अजय तुमने हमेशा दूसरों की बेटियों के साथ बुरा किया है और आज किस्मत ने हमारी बेटी के साथ भी वही कर दिया। एक बेटी के बाप होकर तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? अजय, क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी भी एक बेटी है और अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा? तुमने क्या सोचा था कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा हमारे जीवन में शांति और खुशी लाएगा? नहीं अजय, तुम गलत सोचते थे। देखो, तुम्हारा गलत तरीके से कमाया हुआ सारा पैसा मेरे इलाज पर खर्च हो रहा है, लेकिन तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है वो सब तुम्हारे गलत तरीके से कमाए हुए पैसों की वजह से ही हो रहा है। पूजा ने अजय को खूब भला बुरा सुनाया और अजय शर्म से अपना सिर झुकाए चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे और वो फूट फूट कर रोते हुए पूजा से माफी मांगने लगा। पूजा ने अजय का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगी, अजय तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। बड़ी मुश्किल से अजय ने पूजा को मनाया और उसे घर ले आया, लेकिन पूजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए अजय ने अपने पड़ोसियों से पूजा का ख्याल रखने के लिए कहा। अपनी बेटी की फिक्र में तो अजय भी एक ही दिन में आधा हो चुका था और पूजा तो नंदिनी की माँ थी, तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। अजय ने पूजा से वादा किया कि वो कुछ भी करके नंदिनी को सही सलामत घर वापस ले आएगा। और फिर अजय और रॉकी दोनों जल्दी से अमीनाबाई के कोठे पर पहुँच गए तो अमीनाबाई उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, क्या हुआ, फिर से कोई नई लड़की लेकर आए हो क्या? इससे पहले कि अजय और रॉकी अमीनाबाई को कोई जवाब देते, अमीनाबाई रॉकी की तरफ देखकर कहने लगी, वाह सेठ वाह, क्या खूब माल लाकर दिया है तुमने। सेठ, जिस लड़की का सौदा आज तुम करके गए थे ना, वो लड़की तो बड़ी कमाल की चीज निकली। अरे वो लड़की नहीं, वो तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, मुर्गी। और ग्राहक तो उस लड़की के मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब हर ग्राहक को बस वही लड़की चाहिए। ये सुनकर तो अजय के होश ही उड़ गए और अजय ने तुरंत ही अमीनाबाई से कहा, देखो अमीनाबाई, आप अपने पैसे वापस ले सकती हैं, लेकिन हमें वो लड़की वापस चाहिए। अजय की बात सुनकर अमीनाबाई ने हैरत से अजय की तरफ देखा और फिर कहने लगी, क्या बात कर रहे हो सेठ, तुम्हें इस कोठे के नियम नहीं पता है क्या? इस कोठे पर कोई लड़की एक बार आ जाए ना तो वो मेरी इजाजत के बिना यहाँ की चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकती। और फिर वो लड़की तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, मैं उसे किसी भी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। क्या तुम्हें पता है कि उस लड़की के आने के एक घंटे के अंदर ही उसकी इतनी बड़ी कीमत लगी है जितनी आज तक इस कोठे की किसी भी लड़की की नहीं लगी है? वो लड़की तो इस कोठे का अनमोल हीरा है, हीरा, एक ऐसा हीरा जो इस कोठे को खूब रोशन करेगा। अमीनाबाई तो आज बहुत खुश नजर आ रही थी, जबकि अमीनाबाई का एक एक शब्द सुनकर अजय को तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सिर पर बार बार धमाके कर रहा हो। अजय को ऐसी हालत में देखकर रॉकी कहने लगा, देखो अमीनाबाई, हमने वो लड़की गलती से तुम्हें सौंप दी है, हम तो किसी और लड़की को लाने वाले थे लेकिन गलती से वो आ गई है। और वो लड़की बिकाऊ नहीं है, वो तो अजय की बेटी है। अमीनाबाई, अजय की पत्नी बहुत बीमार है और वो कैंसर की मरीज है। उस लड़की की माँ अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान है, अगर उसे अपनी बेटी नहीं मिली ना तो वो मर जाएगी। हमने गलती से अपनी बेटी तुम्हें सौंप दी है, तुम अपने पैसे वापस ले लो और हमारी बेटी हमें वापस दे दो। रॉकी हाथ जोड़कर अमीनाबाई से विनती करने लगा तो उसकी विनती सुनकर पहले तो अमीनाबाई हैरान हो गई, क्योंकि आज तक किसी ने भी लड़की को बेचने के बाद उसे वापस लेने के लिए इस तरह से हाथ पैर नहीं जोड़े थे। लेकिन फिर अमीनाबाई ने अजय की तरफ देखा और कहने लगी, देखो सेठ, बेटी तुम्हारी हो या किसी और की, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
हम तो खरीददार हैं और तुम लोग ही हमें माल लाकर देते हो। मैं तुम लोगों को उस लड़की के पैसे दे चुकी हूँ और इस वक्त वो लड़की ग्राहक के साथ है, इसलिए अब उस लड़की को भूल जाओ और जाकर अपनी पत्नी को दिलासा दो और उससे कहो कि वो अपनी बेटी को भूल जाए जैसे दूसरी औरतें अपनी बेटियों को भूल जाती हैं। नंदिनी ग्राहक के साथ है, ये सुनकर तो अजय के सिर पर तो जैसे पूरा आसमान टूट पड़ा था। अजय गुस्से से खड़ा हो गया और कहने लगा, देखो अमीनाबाई, सीधी तरह से मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, वरना मैं इस कोठे का पूरा नक्शा ही बिगाड़ कर रख दूंगा। और फिर गुस्से में आकर अजय ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और अमीनाबाई की कनपट्टी पर लगा दी। पिस्तौल देखकर अमीनाबाई एकदम से घबरा गई, क्योंकि उसे अजय से इस बात की उम्मीद ही नहीं थी। अजय और रॉकी दोनों कई सालों से इस कोठे पर आ रहे थे, इसलिए उनकी कोई चेकिंग नहीं होती थी और न ही उनसे उनके हथियार लिए जाते थे। और अजय ने इसी बात का फायदा उठाया और अमीनाबाई को निशाना बनाते हुए कहने लगा कि अगर मेरी बेटी को तुरंत ही यहाँ नहीं बुलाया गया तो मैं अभी के अभी ये ट्रिगर दबा दूंगा। अजय की बात सुनकर अमीनाबाई ने जल्दी से अपनी नौकरानी को इशारा किया और फिर कुछ देर बाद वो नौकरानी दौड़ती हुई आई और कहने लगी, ताई उस लड़की ने तो अपनी नस काट ली है। ग्राहक परेशान खड़ा है और वो लड़की बेड पर बेहोश पड़ी है और उसके चारों तरफ खून ही खून है। ये सुनते ही अजय दौड़कर अंदर गया और देखा तो उसकी बेटी बेड पर बेहोश पड़ी थी और पूरा बेड खून से लाल हो चुका था, क्योंकि अजय की बेटी ने अपनी इज्जत गंवाने से बेहतर तो अपनी जान देना बेहतर समझा था। अजय अपनी बेटी को गोद में उठाकर ले जाने लगा तो अमीनाबाई उसके रास्ते में आ गई और कहने लगी, ये लड़की अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तब रॉकी ने अजय की पिस्तौल उठाकर अमीनाबाई के सिर पर तान दी और अजय से कहने लगा, अजय तू जल्दी से अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जा, इन सबको मैं संभाल लूंगा। अजय ने तुरंत ही अपनी बेटी को कार में बिठाया और जल्दी से उसे अस्पताल ले गया। लेकिन ये मामला तो खुदकुशी का था, इसलिए कोई भी डॉक्टर नंदिनी को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। अजय ने डॉक्टर्स के सामने हाथ जोड़ लिए, उनके पैरों में बैठकर अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगी, तब जाकर बड़ी मुश्किल से नंदिनी का इलाज शुरू हुआ। और फिर जब नंदिनी को होश आया तो अजय ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और अपनी बेटी के माथे को चूमते हुए फूट फूट कर रोने लगा। नंदिनी बहुत ही घबराई हुई थी और वो भी अपने पापा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी, तो अजय ने अपनी बेटी को तसल्ली दी और उसे अपने साथ घर ले आया। पूजा ने जब नंदिनी को देखा तो उसके शरीर में तो जैसे एक नई जान आ गई थी और उसने भी अपनी बेटी को सीने से लगाया और फिर उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से मिलकर आंसू बहा रही थी और अजय किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए पीछे दरवाजे पर खड़ा था। अजय जानता था कि अब पूजा उससे कभी भी प्यार नहीं करेगी और न ही कभी वो अजय पर भरोसा करेगी। अपनी बेटी को उस कोठे पर देखकर अजय की तो जैसे जान ही निकल गई थी और तब जाकर उसे ये समझ आया कि आज तक उसने दूसरी बेटियों के माँ बाप को कितनी तकलीफ पहुँचाई है। जब पूजा और नंदिनी दोनों चुप हो गईं, तो पूजा ने नंदिनी को उसके कमरे में भेज दिया, क्योंकि नंदिनी को अजय की सच्चाई पता नहीं थी और न ही पूजा ने नंदिनी को कुछ भी बताया था। लेकिन जब पूजा नंदिनी के कमरे से वापस लौटी तो वो बहुत गुस्से में थी और वो अजय से कहने लगी, अजय अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, ना तो अब मुझे तुम्हारा गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा चाहिए और ना ही अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं सुबह होते ही अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अजय पूजा के पैरों में बैठ गया और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अजय ने कहा, पूजा मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब पूजा ने कहा, अजय तुमने गलती नहीं बल्कि गुनाह किया है, एक ऐसा गुनाह जिसकी सजा आज तुम्हारा परिवार भुगत रहा है।
आज जब बात तुम्हारी अपनी बेटी पर आई तो तुम्हें एहसास हुआ कि तुमसे गलती हो गई है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और ना जाने कितने माँ बाप तुम्हारी वजह से आज तक अपनी बेटियों के लिए आंसू बहा रहे होंगे। तुम नहीं जानते अजय कि तुमने अपने मतलब के लिए कितने लोगों को दर्द दिया है और पता नहीं कितने लोगों की बददुआएं हमारा पीछा कर रही हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इन सब पापों को देखने के बाद भी भगवान तुम्हें माफ कर देंगे और मैं ठीक हो जाऊंगी? नहीं अजय, कौन जाने किस बेटी के माँ बाप की बददुआ हमें लगी होगी कि हमारे जीवन का सुख चैन हमेशा के लिए गायब हो गया है। अजय, जब मैंने तुमसे शादी की थी तब हम दोनों कितना प्यार से एक साथ रहते थे और हमारे परिवार को पूरा करने के लिए भगवान ने हमें इतनी प्यारी बेटी भी दे दी, लेकिन तुमने पाप के रास्ते को चुनकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तो हमेशा तुमसे एक ही बात कहती थी, अजय कभी कोई गलत काम मत करना, लेकिन फिर भी तुमने ऐसे ऐसे गुनाह कर दिए हैं जिसकी भरपाई अब कभी नहीं हो सकती। खैर, मेरे साथ जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पापों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़े, इसलिए तुम हमें छोड़कर चले जाओ। ये सब कहते हुए पूजा बुरी तरह से रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अजय पूजा के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, पूजा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे और नंदिनी के बगैर नहीं रह सकता। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं वादा करता हूँ पूजा कि मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अजय अपनी गलती पर पछता रहा था, लेकिन पूजा ने अजय की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उठकर सीधा नंदिनी के कमरे में चली गई। अब तो पूजा और अजय दोनों एक ही घर में अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारने लगे थे। अजय ने रॉकी से अपने सारे संपर्क खत्म कर लिए थे क्योंकि रॉकी शायद अभी भी इस काम में शामिल था, लेकिन अब अजय ये सारे गलत काम नहीं करना चाहता था। अजय ने अब मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे ही गलत काम से आने वाली कमाई बंद हुई तो घर में फिर से रूखी सूखी रोटी के दिन आने लगे थे। एक दिन अजय फिर से उसी चाय की टपरी पर बैठा चाय पी रहा था जहां उसकी मुलाकात रॉकी से हुई थी। पूजा का भरोसा खोने के गम में आज भी अजय की आंखों से आंसू बह रहे थे कि तभी अचानक एक आदमी ने अजय के कंधे पर हाथ रखा और अजय से उसके रोने की वजह पूछी। पहले कुछ देर तक तो अजय खामोश रहा, लेकिन जब उस आदमी ने जोर देकर पूछा तो अजय ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। अजय के गलत कामों के बारे में सुनकर तो पहले तो उस आदमी को भी अजय पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो आदमी सिविल ड्रेस में कानून का रखवाला था, यानी कि वो आदमी एक पुलिस वाला था। लेकिन फिर जब उस पुलिस वाले ने अजय की आंखों में पछतावे के आंसू देखे तो उसने अजय को अपने लिए काम करने का मौका दिया। क्योंकि अजय सालों से ये गलत काम करता आ रहा था, इसलिए उसे वो हर तरीका पता था जिससे कि गुनाहगार अपने काम को अंजाम देते थे, और अजय उन गुनाहगारों के सारे अड्डे भी जानता था जिसके चलते वो पुलिस की बहुत बड़ी मदद कर सकता था। अब अजय पुलिस वालों के लिए एक खबरी का काम करता था, और फिर जब अजय ने पुलिस वालों का भरोसा जीत लिया तो इनाम के तौर पर उसे इतनी बड़ी रकम मिल जाती थी कि उसे कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अजय की अच्छाइयों की वजह से अब धीरे धीरे पूजा की तबीयत में भी सुधार आने लगा था, और डॉक्टर्स ने अजय को बताया कि पूजा का कैंसर अब खत्म हो चुका है और वो कुछ ही समय में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और फिर जैसे ही नंदिनी की पढ़ाई पूरी हुई तो अजय ने उसका एक अच्छे घर में रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी, और अब नंदिनी अपने ससुराल में बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रही है। और फिर जब पूजा को अजय के इस नए काम के बारे में पता चला कि अब अजय खबरी बनकर गुनहगारों को पकड़ने में पुलिस की मदद करने लगा है, तो पूजा ने भी अजय को माफ कर दिया। लेकिन सच तो ये है कि अजय को आज भी अपने गुनाहों पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि अजय उस रात को कभी भी नहीं भूल सकता।
आज भी जब अजय को वो रात याद आती है जब वो पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढ रहा था और जब उसने अपनी बेटी को अमीनाबाई के कोठे पर देखा, तब उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई हों। अपनी बेटी को उस जगह देखकर अजय की आत्मा कांप उठी थी और तब उसे ये एहसास हुआ कि उसने दूसरी बेटियों के माँ बाप के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है और उन्हें कितनी तकलीफ पहुँचाई है। अब तो अजय हर दिन हाथ जोड़कर अपने भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांगता है, लेकिन फिर भी उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं किसी माँ बाप की बद्दुआ उसकी बेटी की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद ना कर दे। देखा दोस्तों, जब कोई इंसान गुनाह का रास्ता चुनता है तब तो उसे ये एहसास नहीं होता कि उसकी वजह से ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। लेकिन फिर जब किस्मत की थप्पड़ उसके अपने गालों पर पड़ती है तब उसे ना सिर्फ अपने गुनाहों का पछतावा होता है बल्कि जिंदगी भर एक डर भी लगा रहता है कि कहीं उसके बुरे कर्मों की सजा उसके अपने परिवार को ना भुगतनी पड़े। इसलिए बेहतर है कि रूखी सुखी खा लो, लेकिन कभी भी जिंदगी में ऐसे पाप मत करो कि किसी की बद्दुआ तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी बर्बाद कर दे। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।